जय हिंद मित्रों, मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक रहस्यमय बीमारी ने कई माता पिता से उनके कलेजे को टुकड़े को सदा के लिए छीन लिया है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। स्थानीय लोग इसे चमकी बुखार के नाम से जानते हैं, जबकि डॉक्टरों विशेषज्ञों के अनुसार यह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम नामक बीमारी है। सबसे दुखद बात तो ये है कि इस बीमारी कि सटीक कारण निवारण से संबंधित कोई ठोस रिसर्च और परिणाम खुलकर सामने नहीं आया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बीमारी कुपोषण के शिकार बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती है, जबकि कुछ का मानना है कि खाली पेट कच्चे अटपकी लीची को खाने से बीमारी होती है। तो क्या है वास्तविकता इस चमकी बुखार की, आइए समझते हैं। चमकी बुखार की वजह से दिमाग या ब्रेन में सूजन हो जाता है, जिसमें रोगी को तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है। दिमाग का कामकाज प्रभावित होने से मांसपेशियों में ऐंठन तथा बेहोशी होने लगती है तथा झटके भी आने लगते हैं। इसमें रोगी को प्रकाश से चिड़चिड़ापन होने लगता है, बोलने तथा सुनने में उसे परेशानी होती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। इसके अन्य लक्षणों में मिचली, उल्टी, सुस्ती तथा थकान भी शामिल हैं। चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम नामक यह बीमारी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में 15 साल तक के बच्चों को अपनी चपेट में लेती है। वास्तव में चमकी बुखार को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी कहते हैं। हमारे देश में इस बुखार का सबसे बड़ा कारण जापानी बुखार का वायरस या जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस है, जो अर्बो वायरस की श्रेणी में आते हैं, जो संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलते हैं। इसके अतिरिक्त चमकी बुखार या AES विभिन्न प्रकार के अन्य अर्बो वायरस जैसे जीका वायरस, निपाह वायरस, अहरपी सिंप्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एंटेरो वायरस, टिक वॉर्न वायरस, वेस्ट नाइल वायरस तथा डेंगू वायरस और जीवाणु, फंगस, केमिकल तथा विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है। सामान्य तौर पर स्वस्थ और सुपोषी शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संग्रहित कर लिया जाता है, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब हमें भोजन के माध्यम से बाहर से ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब यही संग्रहित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा की सप्लाई करता है। लेकिन कुपोषित बच्चों में जिनके शरीर के लीवर में पहले से कोई आरक्षित ग्लाइकोजन नहीं होता है, इस स्थिति में जब ये भूखे पेट सो जाते हैं, तब इनके शरीर में ग्लूकोज और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए बसी अम्लों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात इनके शरीर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के अभाव में बसी अम्लों के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज उत्पन्न करके ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। विशेषज्ञों की माने तो लीची के कच्चे फलों में प्राकृतिक रूप से एक टॉक्सिन पदार्थ हाइपोग्लाइसिन ए या मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन, जिसको संक्षिप्त रूप से MCPG भी कहते हैं, मौजूद होता है। यह टॉक्सिन पदार्थ बसी अम्लों के ऑक्सीकरण की उस प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके फलस्वरूप बसी अम्ल ग्लूकोज में परिवर्तित होते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बसी अम्लों के ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया वेल नरिश्ड या स्वस्थ बच्चों के शरीर में नहीं होता है। यह प्रक्रिया केवल कुपोषित बच्चों के शरीर में ऊर्जा और ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करने के लिए होता है, और यही वह कारण है कि लीची के मीठी होने के बावजूद भी इसको भूखे कुपोषित बच्चों के द्वारा खाली पेट खा लेने से उनके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भूखे कुपोषित बच्चों के शरीर में उस समय बसी अम्लों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है, और जैसे ही ये बच्चे खाली पेट अधपकी लीची को खा लेते हैं तो लीची में मौजूद हाइपोग्लाइसिन ए नामक टॉक्सिन उनके शरीर में चल रही बसी अम्लों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में ग्लूकोज का बनना बंद हो जाता है और इन बच्चों के शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है, और इस दशा को हाइपोग्लाइसीमिया की दशा कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज का स्तर शरीर में बहुत सामान्य से बहुत कम हो जाना, और इसी कारण इन बच्चों में मस्तिष्क संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और इसी समय इन बच्चों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम नामक बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
क्योंकि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के सभी मामलों में लगभग 98% मामलों में बच्चों के शरीर में ग्लूकोज और सोडियम की कमी देखी गई। यदि समय रहते इन बच्चों को ग्लूकोज या ORS का घोल दिया जाए तो इन बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। इस प्रकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस हाइपोग्लाइसेमिक दिमागी बुखार का एक मुख्य कारण कुपोषण है, न कि लीची, क्योंकि स्वस्थ और सुपोषित बच्चों के शरीर में लीची के टॉक्सिन का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन होने के कारण इनके शरीर में बस ही अम्लों के ऑक्सीकरण की जरूरत ही नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दिमागी बुखार के वायरस को पनपने के लिए उमस युक्त भीषण गर्मी और बारिश की कमी काफी हद तक जिम्मेदार है। चमकी बुखार से बचाव। नंबर एक, सबसे पहले अपने बच्चों को जेई या जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जरूर लगवाएं। नंबर दो, मच्छरों से बचाव करें तथा सुअर बाड़ों को मानव आबादी से दूर रखें। नंबर तीन, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को अच्छे से धो लें। नंबर चार, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और रात में बच्चों को बिना खाना खाए न सुलाएं, क्योंकि चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का खतरा उन बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है जो कुपोषित हैं। नंबर पाँच, चमकी बुखार के लक्षण दिखाई देने पर बच्चों को शरीर में पानी की कमी न होने दें, उनको ORS का घोल पिलाते रहें। नंबर छः, बच्चों को तेज बुखार होने पर उनके शरीर को ताजे पानी से पोंछें और उन्हें हवादार स्थान पर ले जाएं और अविलंब बिना देर किए बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं। धन्यवाद।